हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 12th क्लास की चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.2। इसके फर्स्ट सम में दिया हुआ है बच्चों। इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो थ्री डायरेक्शन कोसाइंस है, ये जो थ्री डायरेक्शन कोसाइंस है वो थ्री लाइंस के हैं, तो वो तीनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, इफ़ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, तो ये परपेंडिकुलर तब होती हैं लाइनें यदि L1 को L2 से मल्टीप्लाई करें प्लस M1 M2 करें प्लस N1 N2 करें बच्चों, तो वो इक्वल टू जीरो आए। तो ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। तो इसमें जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो गिवन है, ये हमें डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं बच्चों। तो इसमें हम तीन डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, तो पहले मैंने दो को लिया है बच्चों, तो दिस डायरेक्शन कोसाइंस एंड दिस डायरेक्शन कोसाइंस इफ़ परपेंडिकुलर, तो ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर होगी यदि उनके डायरेक्शन कोसाइंस पर जब हम ये कंडीशन लगाएंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा। तो इसमें हमने क्या किया है बच्चों, ये कंडीशन लगा दी है। तो ये इसका L1 है, M1, N1, L2, M2 एंड N2। तो हमने L1 को L2 से मल्टीप्लाई किया है बच्चों, M1 को M2 से एंड N1 को N2 से। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस जिन दो लाइनों के हैं, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बाद में बच्चों हमने सेकंड टू डायरेक्शन कोसाइंस लिए हैं बच्चों, तो इसमें भी हमने सेम कंडीशन लगाई है, तो ये भी हमारा जीरो के बराबर आ गया है बच्चों। ये हमारा L1 L2 M2 मान लिया हमने इसको, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी हमने सेम कंडीशन लगा दी है, L1 को L2 से मल्टीप्लाई किया है, M1 को M2 से एंड N1 को N2 से, तो वो जीरो के बराबर आ गया है। तो ये कुछ डायरेक्शन कोसाइंस जिन लाइंस के हैं वो लाइनें भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद में है द लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। फिर उसके बाद में हमने हमारे पास तीन डायरेक्शन कोसाइंस थे, तो पहले हमने पहला और दूसरा लिया, फिर दूसरा तीसरा लिया, फिर उसके बाद में तीसरा और पहला डायरेक्शन कोसाइन लिया है बच्चों। तो इसमें भी हमने सेम कंडीशन लगा दी है, तो वो भी हमारे जीरो के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। ठीक है बच्चों, तो गिवन लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर। इसके बाद में सेकंड सम है बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इसमें यानी कि हमें दिया हुआ है कि एक लाइन है हमारे पास बच्चों जो इन दो पॉइंटों से गुजरती है, तो वो परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन से, और जो दूसरी लाइन है वो इन दोनों पॉइंटों से गुजरती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने क्या करा है, लेट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो जो हमारे पास दो पॉइंट हैं उससे हमने क्या किया है बच्चों, डायरेक्शन रेशो निकाल लिया है, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी आर। तो डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये थ्री में से हमने वन को माइनस किया है, फोर में से -1 को माइनस किया है, एंड -2 में से 2 को माइनस किया है। तो ये हमारे इस तरह से डायरेक्शन रेशो आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सेकंड लाइन जो हमारी जो है वो सी और डी पॉइंट से गुजरती है, तो उसके भी हमने डायरेक्शन रेशो लगा दिए, निकाल दिए हैं बच्चों सेम प्रोसेस लगा करके। तो इसमें उसके बाद में हमने दोनों के डायरेक्शन रेशो जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब ए बी इज सी डी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है बच्चों कि ए बी लाइन जो होती है वो सी डी के परपेंडिकुलर होती है इफ़ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो इसका A1 B1 C1 कौन है बच्चों, ये जो डायरेक्शन कोसाइन हमारे ए बी लाइन के निकले हैं, तो वो हमारा है A1 B1 C1, और ये जो डायरेक्शन कोसाइन निकले हैं ये है A2 B2 एंड C2। फिर से बता देती हूँ डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी बच्चों डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो हमने कैसे निकाले हैं बच्चों, जो हमें पॉइंट्स गिवन है जिससे वो लाइन गुजरती है, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स, उन पॉइंट्सों के जो ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट है बच्चों, इनको आप ए हमने माइनस कर दिया है, थ्री में से जीरो माइनस किया है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस किया, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में से माइनस किया, एंड सिक्स को ये जेड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को जेड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू से माइनस किया बच्चों। तो ये हमारा इस लाइन का, उस लाइन का डायरेक्शन रेशो आ गया जो सी और डी पॉइंट से पास करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी उसके बाद में हमारे पास दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशो आ गए। तो हमारे पास क्या होता है, कंडीशन होती है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी इफ़ उनके डायरेक्शन रेशोज़ को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों सेम कोऑर्डिनेट्स को, तो हमारा इक्वल टू जीरो आएगा। तो A1 मल्टीप्लाई बाई E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो। तो सेम कंडीशन हमने रख दिया बच्चों। तो यहाँ पर किया हमने
ये टू और ये थ्री को मल्टीप्लाई किया, फिर फाइव और टू को किया, फिर टू और सॉरी माइनस फोर और फोर को किया है, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है आपका थर्ड सम, इसमें दिया हुआ है कि शो द पॉइंट्स लाइन थ्रू, एक लाइन है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस। इसमें और उसमें पहले वाले सवाल में सेकंड में क्या था बच्चों, परपेंडिकुलर प्रूफ करना था, इसमें पैरेलल प्रूफ करना है बच्चों। लेकिन जो लाइन है वो पॉइंट्स से गिवन है, लाइन के पॉइंट्स गिवन है कि ये जो लाइन है इन दो पॉइंटों से गुजरती है और जो सेकंड लाइन है वो इन दो पॉइंटों से गुजरती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ए एंड बी द पॉइंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली एंड डायरेक्शन रेशो हम सेम प्रोसेस से निकालेंगे बच्चों। तो टू माइनस फोर करेंगे, थ्री माइनस सेवन करेंगे, फोर माइनस एट करेंगे, तो इसका डायरेक्शन रेशो आ गया ऑफ ए बी। इन पॉइंटों को हमने ए और बी मान लिया है बच्चों। इसके सेम प्रोसेस करेंगे फिर सी और डी, सी डी निकालने के लिए। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी। तो हमारा ये सी पॉइंट मान लिया, इसको हमने डी मान लिया। तो वन माइनस वन, माइनस वन करेंगे, टू माइनस माइनस टू, फाइव माइनस वन करेंगे, तो इसका डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी आ गया। अच्छा बच्चों, सर पैरेलल इसके परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी, लेकिन पैरेलल के लिए ये कंडीशन होती है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी इफ़ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे बच्चों। तो देखते हैं कि हमारी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ट्रू है। ये हमारा जो डायरेक्शन रेशो है वन टू टू, ये टू फोर फोर, तो वन बाय टू हो गया, टू बाय फोर हो गया, और यहाँ भी टू बाय फोर हो गया। तो देन ये तीनों ही क्या हैं, आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है बच्चों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। इसमें भी लाइन जो है वो एक पॉइंट से गुजर रही है और हमें प्रूव करना है कि वो पैरेलल है इस वेक्टर के, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, इसमें प्रूव नहीं करना है, इसमें इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन आप लर्न कर लो कि लाइन की जो इक्वेशन फॉर्म होती है, इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर जो है बच्चों वो पॉइंट है जहाँ से वो लाइन पास करती है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो इसका हमें वैक्टर फॉर्म बना देना है बच्चों। तो इसका वैक्टर फॉर्म हो जाएगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के कैप, ठीक है बच्चों। और जहाँ जिसके ये पैरलर है वो है थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के, तो उसको हमें लिख देना है लैम्डा के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया है और ये जिसके पैरलर है तो वो उस पॉइंट्स को, उस वेक्टर को हमने बी वेक्टर मान लिया है। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आई वैक्टर सॉरी आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन बन गई है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले उस पॉइंट की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं जहाँ से लाइन गुजरती है प्लस लैम्डा करके ब्रैकेट में हम उस वेक्टर फॉर्म को लिखना है जिसके लाइन पैरलर है, उस वेक्टर फॉर्म को लिखना है जिसके लाइन पैरलर है। अगर पॉइंट गिवन है तो हमें उसे वेक्टर फॉर्म में बना करके लिखना है जहाँ जिसके लाइन पैरलर है, मतलब अगर कोई पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट की डायरेक्शन में ही लाइन जो है वो चल रही है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यही तो है कि लाइन उस पॉइंट के पैरलर है, ठीक है बच्चों। तो उस पॉइंट की हमें वेक्टर फॉर्म बना करके लैम्डा के साथ लिखनी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फाइव है, वो भी सेम ही है। इसमें फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है कि एक लाइन है वो पैरलर है, तो उस वो एक पॉइंट से गुजरती है। तो वो मैंने अभी समझा दिया है कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजरती है और दूसरी लाइन उसके पैरलर है, ठीक है बच्चों, तो वो जो गिवन पॉइंट है वो हमें उसकी वेक्टर फॉर्म बना करके यहाँ लिखनी है, ठीक है बच्चों। ये क्योंकि जिस लाइन की हमें वेक्टर फॉर्म निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन, वो लाइन जो है इस पॉइंट से पैरलर है, तो इसको हमें लैम्डा के साथ बना करके लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपका आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है। इसमें हमें दिया हुआ है कि फाइंड द कार्टिजन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो इसमें बच्चों दिया हुआ है कि एक लाइन है वो इस पॉइंट से गुजरती है और इस लाइन के ये पैरेलल है, ये जो लाइन हमें दी हुई है इस लाइन के वो पैरेलल है।
तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज, तो ये बच्चों इसमें क्या करेंगे हम कि हमें पॉइंट गिवन है बच्चों कि इस पॉइंट से वो लाइन गुजरती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक्स के एक्स वाई और जेड के साथ हम इन कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस माइनस टू, वाई माइनस फोर एंड जेड माइनस माइनस फाइव, और ये जो लाइन इसके पैरेलल दी हुई है इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं बच्चों 3, 5 एंड 6 वो हमें सेम लिख देना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं, तो ये जो 3, 5, 6 है वो हमें अपॉन में लिख देना है बच्चों, तो ये जो लाइन है ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, ठीक है बच्चों। फिर से सुन लीजिए दोबारा कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजरती है तो उसकी हमें कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, तो -2, 4, 5, -5, तो ये जो हमारा पॉइंट गिवन है इसको हमें एक्स से वाई से और जेड से माइनस करना है, और अपॉन में हमें सेम डायरेक्शन रेशो लिख देना है उस लाइन का जिसके वो लाइन पैरेलल है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, इसमें हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है और वेक्टर फॉर्म में हमें इसे लिखना है, ठीक है बच्चों। अभी क्या समझाया था मैंने कि अगर कोई पॉइंट लाइन से, लाइन जो है किसी पॉइंट से गुजरती है तो उसे हमें एक्स वाई और जेड के साथ माइनस करके लिखना है, तो इसका मतलब ये यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएंगे उस लाइन के जहाँ से वो गुजरती है, तो इसका मतलब एक्स से -5 किया है, फिर -4 किया है, फिर -6 किया है, तो वो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया 5, -4 एंड 6, समझ में आ गया बच्चों। एंड और उसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे 3, 7 एंड 2, क्या होंगे 3, 7 एंड 2, तो वेक्टर इक्वेशन बना देंगे बच्चों, तो ए इन द वेक्टर फॉर्म ए वेक्टर, तो ये हमारा ये जो पॉइंट है इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है 5i कैप -4j कैप +6k कैप लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब ये डायरेक्शन रेशो है, इसका मतलब क्या है कि लाइन इस डायरेक्शन में जो है वो जा रही है, यानी लाइन इस पॉइंट के पैरेलल है, तो ये इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप +7j कैप +6k कैप, ठीक है बच्चों। 3i कैप +7j कैप +2k कैप आएगा बच्चों। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद में इसको हमने क्या करना है वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, वेक्टर इक्वेशन बना देनी है, तो ये तो मैंने पहले ही समझा दिया था, ये r वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर पॉइंट लिखना है जिस जहाँ से वो लाइन गुजरती है वेक्टर फॉर्म में +λ, और यहाँ पर वो पॉइंट लिखना है वेक्टर फॉर्म में जिसके वो पैरेलल है लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 5i कैप -4j कैप +6k कैप +λ, और ये डायरेक्शन रेशो से जो हमने बनाया था वेक्टर फॉर्म वो हो जाएगा 3i कैप +7j कैप +2k कैप, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।